कितने लोग जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का कुछ एक साल पहले एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, कारगिल युद्ध? कितने लोगों ने सुना था, कितने लोगों को याद है कारगिल का युद्ध? पता है आप लोगों को? और जब वो युद्ध हमने जीता था तो कितनी खुशी मनाई थी हमारे देश ने, कितने लोगों को पता है? उसी प्रकार पुराने ज़माने में जब दो देश, उस ज़माने में देश नहीं होते थे, उस ज़माने में राज्य होते थे, किंगडम्स हुआ करते थे। पुराने ज़माने में जब दो राज्य लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, तो युद्ध करने के बाद और युद्ध के मैदान से दोनों राज्यों में से एक राज्य जीतेगा और एक राज्य हारेगा। सो जब दो राज्य युद्ध में जाते थे और उसमें से एक राज्य हारता था, एक राज्य जीतता था, जीत हासिल करने के बाद जो जीता हुआ राज्य था वो अपने अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में वापस पहुँच कर पूरे राज्य में बहुत से खबरियों को भेज करके, जो खबरी लाल नहीं होते खबर देने वाले, उनको बहुत सारे लोगों को भेज भेज कर और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सब लोगों को खबर पहुंचाते थे कि हम लोग जो युद्ध हैं वो जीत गए हैं। सबको, राज्य के सारे लोगों को, राज्य में रहने वाले, किंगडम में रहने वाले सारे लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो जंग थी, जंग को जीत चुके हैं, क्योंकि उस जीत से उस सब लोगों का कुछ ना कुछ लेना देना तो है। क्या लेना देना है? सबसे पहले तो जब उनको पता चलेगा कि वो लोग जंग को जीत गए हैं तो वो सब लोग मिलकर के क्या करेंगे, मिलके क्या करेंगे, जश्न मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, उनके दिल में खुशियां होंगी, उनके आंगन में सब लोग मिल बांट के खाना बनाएंगे, अलग अलग तरीके से वो सेलिब्रेशन करेंगे। उसी प्रकार उनका, उनके अंदर एकता आएगी जब सब मिलके, सब एक कॉज के लिए एक हो रहे हैं, उनके अंदर एकता बढ़ रही है, या उनके अंदर हम देखते हैं कि वो आज के, उनके प्रेजेंट के लिए, उनके आज के जीवन के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वो एक मजबूत राज्य के रहने वाले लोग हैं, वो किसी छोटे मोटे राज्य के लोग नहीं है, एक मजबूत राज्य के, एक स्ट्रांग राज्य के वो लोग हैं। एक और फायदा होगा कि उनके आने वाले कल के लिए उनको सिक्योरिटी मिलेगी, उनके अंदर इस बात का सुकून होगा कि हमारे जो आर्मी के लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, हमारे जो सेना के लोग हैं, वो कमज़ोर नहीं हैं, वो स्ट्रांग हैं। तो पुराने ज़माने में जब युद्ध लड़ा जाता था तो वापस आने के बाद जो जो राज्य जीतता था उन लोगों के लिए उस जीत के बारे में राज्य में सब लोगों को बताया जाता था। अब ये हमने बात की संसार की लड़ाई के बारे में, है ना? इस धरती में जो लड़ाइयाँ होती हैं दो गुटों में या दो राज्यों में, उसी प्रकार आत्मिक दुनिया जो है, आत्मिक दुनिया जो हम इस आँखों से जो हम देख नहीं सकते, आत्मिक दुनिया में भी युद्ध होते हैं, हमें अपनी आंखों से पता नहीं चलता। इवन बाइबल हमको बताती है कि हमारा मलयुद्ध, क्या शब्द इस्तेमाल किया है, युद्ध, हमारा मलयुद्ध मनुष्यों से नहीं है, लोगों से हमारा कोई युद्ध नहीं चल रहा, पर हमारा युद्ध किससे है, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों, आसमानी शक्तियां, आत्मिक शक्तियां, उनके साथ हमारा, विश्वासियों का युद्ध चल रहा है, मलयुद्ध है, हमारा संघर्ष चल रहा है, आकाश की दुष्टात्मिक शक्तियों के साथ हमारा युद्ध है। जैसे दो देश लड़ाई करते हैं आपस में, जैसे दो देश या दो राज्य आपस में भिड़ंत करते हैं, उनमें से एक जीत जाता है, एक हार जाता है, उसी प्रकार आत्मिक दुनिया में भी युद्ध चलता है। और एक सबसे बड़ा युद्ध कहाँ हुआ था मालूम है? आत्मिक दुनिया में ऊपर देखो, क्रॉस दिख रहा है आपको, हाँ या ना? इस क्रूस पर बहुत बड़ा युद्ध 2019 साल पहले लड़ा गया। हालेलुया। बाइबल हमको बताती है कि कुलुसियों 2:15 में हम देखते हैं क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा, सब जोर से पढ़ो, क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन, मतलब उनके पास कोई शस्त्र नहीं रहे,
साधन विहीन कर दिया, मतलब उन्हें बिल्कुल कंगाल कर दिया आत्मिक शक्तियों को। हालेलुया। और आगे क्या पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन कर दिया और अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में उन्हें अपने पीछे पीछे चलाया। पुराने जमाने में क्या होता था, सब लोग ध्यान से इस बात को देखें और समझें, पुराने जमाने में क्या होता था, जो राज्य जंग को जीत गया तो जिन लोगों को, घायल लोगों को, इवन मरे हुए लोगों को वो, और उनका सारा सामान, उनका सोना चांदी जो कुछ भी था दूसरे राज्य का जिसको हरा दिया, वो क्या होता था, अपने रथों के पीछे उनको बांध करके अपने राज्य में आके उन अपने राज्य में उसका क्या करते थे, जुलूस निकालते थे। ये है ना विजय अभियान, एक मार्चिंग होती थी। जो जो शासन में जो आर्मी जीत के आई है, सॉरी युद्ध में जो आर्मी जीत गई है, वो अपने राज्य में वापस आने के बाद पीछे जितने भी लोगों को वो हरा के लाए हैं उनको पीछे बांध के और सारे में उनका जुलूस निकालते थे। क्यों? वो सबूत है कि हम जीत गए और वो लोग हार गए। उसी प्रकार ध्यान से सुनो, बाइबल बताती है क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जंग को जीता। हालेलुया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जंग को जीता, एक आत्मिक जंग को जीता। और ये जंग, जो युद्ध जो प्रभु यीशु ने क्रूस पे लड़ा, ये किसके साथ लड़ा? किसी मनुष्यों के साथ नहीं लड़ा, क्योंकि प्रभु मनुष्यों को नफरत नहीं करता, प्रभु मनुष्यों को प्यार करता था। तो फिर प्रभु ने किसके साथ ये युद्ध लड़ा? प्रभु ने ये युद्ध लड़ा शैतान के साथ और शैतान की सारी शक्तियों के साथ। और जैसे पुराने जमाने में जिसको हराते थे उसको अपने जलूस में पीछे रस्सी से बांध के उसका जलूस निकालते थे, बाइबल क्या बताती है, उसने अपने विजय अभियान में या अपने विजय का जो मार्च हो रहा है, यीशु मसीह का जो मार्च हुआ है जीवित होने के बाद, उसमें बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे, मतलब शैतान यीशु मसीह के पीछे है, मरा हुआ है, घायल है, और यीशु मसीह उसका, एक और बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने आसमानी और शैतान की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। शैतान जो है वो हारा हुआ है। पहली बात तो ये है, शैतान सचमुच एक हकीकत है। कुछ लोग शैतान को सिर्फ बच्चों की कहानियों के लिए एक फिगर बना देते हैं और सोचते हैं कि कोई शैतान नहीं है, लेकिन शैतान एक हकीकत में हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, सचमुच में शैतान है। जो पहले स्वर्ग में था वो स्वर्गदूत था, परमेश्वर की आराधना का वो लीडर था, और बाद में जब उसने घमंड किया और उसने लालसा की करी कि वो परमेश्वर के भी ऊपर चला जाएगा, उस समय जब उसने घमंड का पाप किया और उसने परमेश्वर से भी ऊपर पहुँचने की लालसा रखी, उस वक्त परमेश्वर ने उसे क्या किया, स्वर्ग से निकाल दिया, और उसके साथ एक तिहाई स्वर्गदूत भी वहां से निकाल दिए गए, फेंक दिए गए, और आज वो धरती पर मंडरा रहे हैं। उन्हीं को हम दुष्टात्मा कहते हैं। दुष्टात्माओं का सरदार कौन है? शैतान है। और ये शैतान क्या करता है? संसार के लोगों को सच्चे परमेश्वर से रोक के रखता है। शैतान का काम क्या है? संसार के लोगों को सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देता, उन्हें संसार की बातों में या तो धन दौलत के लालच में फंसा लेगा, या उन्हें गलत संबंधों में डाल के उनको बिजी कर देगा, या उन्हें गलत नशे में, गलत इमोरल लाइफ में, गलत गंदे जीवन में उनको डाल देगा, और पापों के जरिए से शैतान लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचने से रोकता है। और लोग क्या हैं? आप और मैं, हम सब कैसे हैं? सब के सब पापी हैं और शैतान की चपेट में हैं, शैतान के चंगुल में हैं, दुनिया के चक्रव्यूह में हैं, दुनिया के झूठ में फंसे हुए हैं। और इसी बंधन से हमें छुड़ाने के लिए, इसी जो शैतान के साथ जो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है, कहीं ना कहीं जो मानव जाति फंसी हुई है पापों में, स्वार्थ में, पैसे में, लालच में, बुरी चीज़ों में, बुरी बातों में, पाप में, अधर्म में, दुष्टता में, झूठ में, फरेब में, मर्डर में, अनैतिकता में, गंदे संबंध, गंदे रिश्ते, गंदी तस्वीरें, गंदी वीडियो, इस सारा जो पाप और पाप का जो अलग अलग रूप हम इस दुनिया में देखते हैं, इसमें शैतान ने लोगों को फंसाया हुआ है और प्रभु से दूर है। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह 2019 साल पहले दुनिया में इसलिए आया ताकि इस पापी मानव जाति को जो फंसी हुई है अपने पापों में और शैतान की चपेट में, उन्हें बाहर निकालने के लिए।
लेकिन जैसे वचन में लिखा है कि जब तक तुम मजबूत आदमी को नहीं पकड़ोगे उसे कैसे हराओगे। तो यीशु मसीह ने क्या किया, जब यीशु मसीह दुनिया में आया उसने सीधे लोगों को नहीं पकड़ा, आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ, ऐसा नहीं किया। क्या किया यीशु मसीह ने, शैतान को पकड़ा और क्रूस पर शैतान को हरा दिया। और क्रूस पर उसने मृत्यु को, पाप को हराया। क्योंकि पाप को कैसे हरा दिया यीशु मसीह ने क्रूस पर, क्योंकि पापों की सजा क्या लिखा बाइबल में, पाप की सजा क्या है, मृत्यु है। मृत्यु किसने सहली, प्रभु यीशु मसीह ने। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजा अपने ऊपर ले ली तो हमें सजा अब नहीं मिलेगी, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यदि हम यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान की इज्जत करेंगे, उसको अपनाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, इस बात पर यदि हम विश्वास करेंगे तो पापों की सजा हमको नहीं मिलेगी। तो क्रूस पर मरने के द्वारा प्रभु ने पाप को हरा दिया। और तीन दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस से उतार लिया गया, उसी दिन जब वो मर गया हमारे लिए, उसी दिन उसको कब्र में रख दिया गया। और कब्र में रखने के तीसरे दिन क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, मुर्दों में से दोबारा जीवित हो गया। और ऐसा करने से उसने किसको हरा दिया, क्रूस पर उसने किसको हराया, पाप को, मृत्यु को। और कब्र में से बाहर आया तो उसने किसको हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। तो जैसे दो राज्य लड़ाई करते हैं और बाद में जो राज्य जीत जाता है वो जश्न मनाता है और उसकी घोषणा सबको की जाती है, उसी प्रकार आत्मिक युद्ध जो प्रभु यीशु मसीह ने लड़ा है उसकी घोषणा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं की। कैसे की, मुर्दों में से जीवित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिनों तक 500 चेलों को दर्शन दिया और साबित किया, घोषणा की कि मैं जीवित हो चुका हूं और मेरा राज्य सदा का राज्य है। पर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को, यीशु मसीह के पहले चेले कितने थे, 12, उनमें से एक ने प्रभु को क्या दिया, धोखा दिया। और उस बाद में उसका हश्र क्या हुआ, वो अपने दुख में प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने के दुख में इतना ज्यादा दुखी हो गया, उसने वो गया और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। जो प्रभु यीशु मसीह को त्याग देता है वो कभी शांति से रह नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु सबको फांसी लगवा देगा, लेकिन जो आनंद हम, जो खुशी, जो आनंद, जो शांति प्रभु यीशु मसीह में आके हमको मिलती है, फिर वो आनंद हमें कहीं और पे नहीं मिलता है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? कल हमारा एक रिश्तेदार है, कल उन्होंने मेरी पत्नी को फ़ोन किया और उसके बाद एक हमारे और रिश्तेदार ने मेरी पत्नी को फ़ोन किया और पता चला कि जो वो एक पर्टिकुलर हमारा रिश्तेदार है वो अपनी मृत्यु से बहुत डरता है। डर लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, डर लगता है कि कहीं मेरी मृत्यु जल्दी ना हो जाए, मेरी छोटी छोटी दो लड़कियाँ हैं वो अनाथ हो जाएंगी, डर लगता है। हम में से भी कुछ लोग हैं जो डरते हैं मृत्यु से। जब मैं अमेरिका गया था तो 16 घंटे तक मैं ऊपर था, 16 घंटे तक मेरा फ्लाइट चल रहा था, मेरे को चैन नहीं आया। क्यों? क्योंकि 16 घंटे में से 10 घंटे समुद्र के ऊपर था हमारा जहाज। मेरे को था अगर ये फटफटा गया तो मैं कहीं मिलूंगा भी नहीं। हम सबको डर लगता है, ऐसा नहीं कि मैं 10 घंटे डरा, इतना भी नहीं डरता, लेकिन जब वो 15-20 मिनट तक बहुत हिला था और वो बोलते हैं कि अपनी बेल्ट वेल्ट लगा लो भैया, तैयार हो जाओ, जब तक आपका हवाई जहाज नीचे धरती पर पहुंचता है सारे गुनाहों की माफी हम प्रभु से मांग लेते हैं। कितने लोग हैं जो डरते हैं मृत्यु से? डर लगता है कभी कभी, हाँ सच बोल सकते हैं, कभी कभी डर लगता है, राइट? जब मेरे पिता की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई तो उसके बाद एक डर का आत्मा ने मुझे बहुत पकड़ लिया। और क्योंकि मेरे पापा की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई थी तो मेरे को सड़क पे तेज़ गाड़ी चलने का बहुत डर मेरे अंदर आ गया। तो एक बार मैं अपने बहन की फीस भरने के लिए जहां वो पढ़ती थी हॉस्टल में, वहां गया और वहां से मैंने बस पकड़ी और 4.5 घंटे का रास्ता था और ड्राइवर बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था और मैं बहुत डर गया कि ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उसके पहले एक एक्सीडेंट हो चुका था कि मेरी गाड़ी नहीं बस बिल्कुल उल्टी हो चुकी थी, गिर गई साइड में और उल्टी हो गई। मैं जिंदा बाहर निकल तो आया लेकिन बहुत लोग मर गए थे उसमें। तो मैंने क्या किया, जब वो फीस भर के जब मैं आ रहा था बहुत डर लगा, तो 2-2.5 घंटे तो आई थिंक मैं बैठा समहाउ,
लेकिन जब वो 2-2.5 घंटे के बाद अपना शहर आने से 3 घंटे पहले जो शहर आया वहीं पे उतर गया, और दूसरी बस मैंने पकड़ी जो खटारा लग रही थी कि जो ये ड्राइवर थोड़ा धीमे चलाएगा उसमें बैठा। हमें डर लगता है, लेकिन स्वर्ग में हमें मृत्यु का डर नहीं होगा। हालेलुया। तो स्वर्ग में हम सब रहेंगे और वहां पे प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा का जीवन देगा। इनफैक्ट हमें हमेशा का जीवन मिल गया है। जिस घड़ी हमने प्रभु यीशु पे विश्वास कर लिया है, हमारा अनंत जीवन शुरू हो गया है। फिर चाहे हमारा एक्सीडेंट होके हमारी मृत्यु हो भी जाए, फिर चाहे किसी बीमारी से हम इतने कमजोर हुए और मर भी गए, तो भी प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। और प्रभु ने कहा, उन चेलों को बुलाया, जो 12 चेले थे उनमें से एक तो धोखा देके चला गया, बाद में खुद मर भी गया, जीवित नहीं रह पाया, पैसों के पीछे भागा, प्रभु को छोड़ के पैसों के पीछे भागा और कुछ एक सिक्कों के पीछे। बाद में क्या किया उसने, वो सिक्के वापस भी फेंक दिया, कहा कि ले लो ये सिक्के, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, इन सिक्कों पर खून है, इस सिक्कों को हम वापस मंदिर में नहीं ले सकते। उसने वो फिर भी वो पैसे फेंक दिए और उन पैसों से एक खेत खरीदा गया जिसमें उसने अपने आप को टांग दिया और उसके सारे शरीर का अंग उसके पेट से बाहर आ गए। लेकिन जो 11 चेले बचे, प्रभु ने क्या किया, उन 11 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें क्या कहा, उस पर आज का वचन आधारित है जिसको मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पढ़ें। मत्ती 28 उसका 18। अपनी अपनी बाइबल खोल के पढ़ें सब। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बस बस बस, अब सामने देखें, प्रभु यीशु मसीह ने यह अपने मरने के पहले कहा या मरने के बाद कहा, मर के जीवित होने के बाद कहा, बताओ, मरने से पहले या जीवित होने के बाद? जीवित होने के बाद। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित होने के बाद अपने चेलों को बुलाया, 11 चेलों को, और उन्हें कहा, आकाश और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। एक अद्भुत सी बात यह है, जैसे कि प्रभु जब धरती में थे और मरने से पहले उनके पास अधिकार नहीं था। हम सब जानते हैं जब यीशु मरने से पहले, यीशु का क्रूस पर बलिदान होने से पहले, हम सबको पता है कहानियों के द्वारा, प्रभु ने अपना अधिकार जताया था, दिखाया था। प्रभु जब दुनिया में थे मरने से पहले, जीवित होने के मरने से पहले प्रभु ने क्या मुर्दों को जीवित नहीं किया था? बताओ, लाजरस को मर के कितने दिन हो गए थे? 4 दिन से लाजरस मरा हुआ था। विधवा के बेटे को भी जिंदा किया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित होने का अधिकार अपने मरने से पहले नहीं दिखाया? दिखाया। जब उनकी नाव डूबने लगी और बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो प्रभु ने तूफान को क्या कहा कि थम जा, और सिर्फ इतना कहने से क्या प्रभु ने नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखाया? दिखाया। क्या प्रभु ने शक्तियों के ऊपर अपनी प्रभुता नहीं दिखाई जब उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया? प्रभु ऑलरेडी अपना बहुत सारा अधिकार दिखा चुके हैं। लेकिन सोचो, अगर प्रभु ने मरने से पहले ही कितना सारा अधिकार दिखा दिया, जिसमें हम जानते हैं कि उसने कोढ़ियों को साफ किया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, उसने कितने लोगों को चंगाइयां दी, कितनों को जीवित किया, तो सोचो जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मरने के बाद और जीवित होने के बाद, जब वो कह रहे हैं आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो सोच के देखो कि कितना अधिकार, कितना ज्यादा अधिकार और हर चीज का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। लेकिन जब तक हम अधिकार के सामने झुकते नहीं, जब तक हम अधिकार को मानते नहीं, जब तक हम अधिकार के अधीन नहीं आते, हम कमजोर रहते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। जब मैं यूएसए में था अभी, तो मैं बाइबल कॉलेज की अधिकार के अधीन था, मैं उनकी अथॉरिटी के अंडर था। शाम को हम 7-8 बजे फ्री होते थे, उसके बाद मेरा मन था कि मैं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं। और मेरे एक मित्र है, एक परिवार है जो वहां पे रहता है उसी शहर में, मेरा उनको मिलने का मन था, लेकिन मैं पराए देश में हूं और मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं है, मैं किसी और के अधीन रहता हूं।
तो मैंने क्या किया, जिनके अधीन मैं था, अपने कॉलेज के अधीन मैं था, मैंने उनके पास गया और मैंने जाके उस अधिकार को स्वीकार किया, उस अधिकार के मैं अधीन रहा, उस अधिकार को मैंने मान लिया और मैंने उनसे कहा मुझे बाहर जाने की अनुमति चाहिए एक दिन, और उन्होंने मुझे 5 घंटे बाहर जाने की अनुमति दे दी। और जब मैंने अधिकार को स्वीकार कर लिया, जब मैंने अधिकार के अधीन आ गया, जब मैंने अधिकार को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज कर लिया, उसके बाद मेरे अंदर बाहर जाने का कॉन्फिडेंस आ गया। अगला वचन जब आप पढ़ोगे उसमें ऐसे लिखा है, प्रभु ने कहा तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें शिक्षा दो। प्रभु ने कहा तुम जाओ ये काम करो। अब ये जो लोग हैं 11 चेले हैं, ये मछुआरे हैं, चुंगी लेने वाले हैं, साधारण लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। प्रेरितों के काम उसके 4th अध्याय में हम पढ़ते हैं जब ये लोग बड़े बड़े चमत्कार करने लगे, प्रचार करने लगे, तो जो बड़े बड़े अधिकारी लोग थे उन लोगों ने मिलकर चर्चा कही और कहा ये लोग कैसे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये तो अनपढ़ लोग हैं। प्रभु ने कहा तुम जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, जाओ और दूसरों को मेरे बारे में बताओ। लेकिन हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस बाहर जाकर के दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का आ ही नहीं सकता जब तक हम प्रभु के अधिकार को ना समझें। इसलिए प्रभु उनको 18वें वचन में कह रहा है, पहले उनको ये समझा रहा है सुनो मैं तुम्हें बाहर भेज रहा हूं ना, पूरी दुनिया में भेज रहा हूं, पर तुम डरना मत क्योंकि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो जिस व्यक्ति को जाकर के हम सुसमाचार बताना चाहते हैं, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहते हैं, जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर मेरे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, तब तक हम डरेंगे और उसको बताएंगे नहीं। और इवन हमारे अपने जीवन में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी के ऊपर मालिक MD कोई और होगा, CEO कोई और होगा, मैनेजर कोई और होगा, लेकिन उसका असली मालिक प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि वचन में प्रभु ने क्या कहा, आकाश और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए जब हमारे पास नौकरी नहीं होती, हम जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, हम डरते हैं क्योंकि हम विश्वास नहीं करते मैं जहां पे जा रहा हूं वहां का अधिकार भी प्रभु यीशु के पास है। इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ हम जा सकते हैं अपने जीवन में हर चीज में, सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन हर एक काम करने के लिए, हर काम करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को मालिक समझकर, उसको गुरु दाता परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर सब कुछ मेरे प्रभु के हाथों में है ऐसा सोचकर जब हम जाएंगे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? इस करके आपके जीवन के सबसे बड़े दुख पर किसका अधिकार है? जिस संकट, जिस परेशानी, जिस बीमारी, जिस भी संकट में आप हैं, जिस प्रॉब्लम में आप हैं, उसके ऊपर अधिकार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। जिन लोगों से हम डरते हैं या जिन लोगों हमें लगता है कि ये कैसे मानेगा यार, ये तो मुझे लगता नहीं कि मानेगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास की कमी है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को हम हर एक चीज का परमेश्वर नहीं समझाए, हमने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया का परमेश्वर समझ लिया। लेकिन वो कलीसिया का अधिकार उसके पास ही नहीं है, वो तो है ही, डेफिनेटली है। कलीसिया का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। पर प्रभु ने क्या कहा, मुझे किस चीज का अधिकार दिया गया है? बोलो क्या लिखा है? प्रभु ने क्या कहा, आकाश और धरती का कितना सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। हमारे प्रभु के पास जो अथॉरिटी है, हमारा प्रभु जिन जिन चीजों का मालिक है, वो सोच करके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आज से 2 साल पहले की कहानी है, ऑलमोस्ट यही टाइम था, जून जुलाई का समय था, जब हमारे पास सेक्टर 14 का चर्च शुरू करने के लिए जगह नहीं थी और हम लोग ढूंढते फिर रहे थे, हम लोग जगह जगह जा रहे थे क्योंकि हमें चर्च खोजना था, क्योंकि हमें वहां पे चर्च शुरू करना था। हम लोगों ने 7 दिन की प्रार्थना की वहां पर, हम लोगों ने कुछ आप में से कुछ बहनें भी गई थी वहां पे, पैदल चल चल के वहां प्रार्थना की। फिर हमको एक हॉल बड़ा अच्छा लगा, हमें लगा कि हमें ये हॉल प्रार्थना के लिए चाहिए, हम यहां पे चर्च शुरू करेंगे। पर क्या उसके मालिक हम हैं? हम तो मालिक नहीं, कोई यादव थे उसके मालिक। हमने डीलर को बोला हमारी उनसे मुलाकात करवा दो,
उसने बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि डीलर को क्या है, वो तो काम करवाएगा अपनी कमीशन लेगा। उसने बोला ठीक है सर आप मेरे को 2 दिन दो। उस डीलर ने 1 महीना लिया, लेकिन हमारी मीटिंग तक वो नहीं करवा पाया। पता क्यों? जब उसने पहली बार ही मालिक को फ़ोन किया, यहीं यू ब्लॉक में उसका उसका बिजनेस है। कितने लोगों ने यादव प्रॉपर्टी देखी है? उसके 4 दुकान पहले एक और प्रॉपर्टी की दुकान है, वही उसका मालिक है। उस डीलर ने जब उस मालिक को फ़ोन किया कि कोई चर्च वाले हैं, कोई चर्च वालों को वो हॉल चाहिए किराए पे, उसने बोला हम नहीं देंगे चर्च वालों को, क्योंकि वो डरते हैं कि हम कब्जा कर लेंगे या उनके भगवान नाराज हो जाएंगे, कोई ना कोई डर था उनको। उन्होंने हम कहा कि हम उनसे मिलेंगे नहीं। सोच के देखो, वो मालिक सेक्टर 14 की चर्च की जो बिल्डिंग है उसका जो मालिक है, मिलने तक को तैयार नहीं था। 1 महीना नहीं वो मिला। 1 महीना खूब हमने प्रार्थना की, बट कभी कभी हमें प्रार्थना के साथ और भी कुछ एक्शन भी लेना पड़ता है। मैंने उसको बोला कि 1 महीना हो गया भाई तेरे से नहीं हो रहा, मुझे नंबर दे। उसने बोला सर ठीक है ले लो, आप नंबर ले लो। वो तो उसने बोला सर कोई बात नहीं, मैं आपको और बिल्डिंग्स दिखाता हूँ, हमें वही चाहिए था, हमें वो पसंद था। आप में से काफ़ियों को मैं दिखा चुका था, हमें अच्छा लगा, लेकिन मालिक देने को तैयार नहीं था। मैंने बोला तो मुझे नंबर दे, और मैंने उस बंदे को 4 बजे फ़ोन किया और मैंने कहा सर मैं 4:45 बजे आपके दफ्तर में आ रहा हूँ, मुझे आप 5 मिनट दो मिलने के लिए। उसने बोला ठीक है आप आ जाओ, उसने मुझे मना नहीं किया। तब मैंने 40 लोगों को मैसेज किया, ठीक जहाँ RBS की बिल्डिंग देखी आप लोगों ने, RBS की बिल्डिंग पे मैंने उस टाइम पे, मेरे पास सपना की एक्टिवा थी, मैंने वहाँ पे एक्टिवा रोक के मैंने वहाँ पे उनको फ़ोन किया, और मैं उनको मैं 40 लोगों को मैंने मैसेज किया कि मैं 15 मिनट में उनसे मीटिंग करने वाला हूँ, आप लोग प्रार्थना करो। सब लोगों ने प्रार्थना की, उसके दफ्तर किया, मैं अंदर गया और उसने बोला, मैंने बोला सर हमें आपका चर्च, वो चर्च नहीं, हमें आपका हॉल पसंद है, हमें वहाँ पे चर्च खोलना है। उसने बोला आप किसी को जान, वी ब्लॉक में किस किस को जानते हो? अब मैं तो वी ब्लॉक में चर्च वालों को ही जानता हूँ। मैंने उनका नाम लिया, बोला ये कौन है, मैं उनको नहीं जानता। फिर उसने बोला आप पास्टर तिलक को जानते हो? मैंने, क्यों, वो भी यू ब्लॉक में रहते हैं, टैगोर स्कूल के पास उनका चर्च भी है, उनका घर भी है, मेरे दोस्त हैं वो। मैंने बोला हाँ मैं पास्टर तिलक को जानता हूँ, और कहने लगे कि वो मेरे 10 साल पुराने मित्र हैं। मैंने बोला वो मेरे 12 साल पुराने मित्र हैं। फिर उसके बाद वो मान गए और उन्होंने कहा कि हम आपको बिल्डिंग दे देंगे। 2 साल हो गए। इस हफ्ते उनका दोबारा मुझे फ़ोन आया, अभी मंगल ट्यूसडे को फ़ोन आया था, और पता क्या बोले, मिस्टर जॉय हमें अपनी अग्रीमेंट 2 साल के लिए और बढ़ानी है। हालेलुया। हर चीज़ का अधिकार किसके पास है? हमें वो बिल्डिंग चाहिए थी लेकिन उसका मालिक कोई और है, पर हमें वो बिल्डिंग चाहिए। इसका मतलब असली मालिक कौन है? हमारा परमेश्वर। हमने प्रार्थना की और वो अब हमें बिल्डिंग देने को, लंबे समय तक हमें बिल्डिंग देने को तैयार है। हमारा ये विश्वास है प्रभु वहाँ पर हमें बहुत बढ़ाएगा, वो जगह हमें छोटी पड़ेगी, हम खुद उसकी बिल्डिंग को छोड़ के बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे, भले किराए पे जाएं, लेकिन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए आप सबको इस बात के बारे में पता होना चाहिए, आपके जीवन के हर क्षेत्र का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। आप लोगों ने माना ही नहीं है उसे मालिक, आप में से या हमने अपनी जिंदगी के बहुत सारे क्षेत्रों का मालिक उसको बनाया ही नहीं है, समझा ही नहीं है, घोषित नहीं किया, मुंह से नहीं बोला, लेकिन अपने मुंह से बोले परमेश्वर तू इस सिचुएशन का मालिक है। प्रभु यीशु मसीह उनको एक बहुत बड़ा काम देने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनको ये काम देने के लिए जा रहा है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। प्रभु ने कहा तुम जाओ पूरी दुनिया में सारी जातियों के लोगों को जाकर के, ये कितने लोग हैं बताओ गिनती में, यीशु के सामने कितने लोग हैं? 11। प्रभु ने 11 लोगों को जिम्मेदारी दी पूरी दुनिया की और कहा तुम सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी शिक्षा मानना सिखाओ। ये इनमें से कितने लोगों ने MBA कर रखी थी? किसी ने नहीं। कौन लोग, कितने लोग बहुत पढ़े लिखे थे? कोई मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले लोग थे, पर प्रभु ने ऐसों को बोला तुम जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। पर प्रभु को मालूम था ये लोग डर जाएंगे, इनको लगेगा प्रभु इतना बड़ा काम तू हम 11 लोगों को दे रहा है। तो प्रभु ने कहा पहले तुम ये समझ लो कि मैं हूं कौन। तो प्रभु ने कहा काम देने से पहले प्रभु ने क्या बोला, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आज मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को मान लिया?
आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के किस किस क्षेत्र का आपने अधिकार दिए? है तो सही उसके पास, पर आपने कितना माना है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि प्रभु है कौन, यीशु मसीह है कौन, तब तक हम कैसे जाके उसको उसके बारे में दूसरों को बताएंगे? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता माना है? ध्यान से सुनना अभी मैं जो कुछ बातें बोलने वाला हूं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता करके मान लिया कि वही है सब कुछ रचने वाला? क्या वो रचयिता है आपके लिए, आपकी समझ में? क्या आकाश, अभी हमने गाना तो गा लिया, पृथ्वी सारी सारे पहाड़ उसके ही हाथों में है, पर क्या आप सचमुच विश्वास करते हो कि पृथ्वी, आकाश और सब कुछ हमारे प्रभु ने बनाया? क्या आप विश्वास करते हो कि सब कुछ, सारी सृष्टि प्रभु के लिए बनाई गई? प्रभु ने पृथ्वी को हमारे एंजॉय करने के लिए नहीं बनाया, हम एंजॉय करते हैं पृथ्वी को, सृष्टि को एंजॉय वो हमें करने देता है, लेकिन प्राथमिक रूप से सारी सृष्टि किसके लिए बनाई गई है? वचन कहता है यीशु मसीह के लिए बनाई गई। यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया, यीशु मसीह ने अपने लिए सब कुछ बनाया। यीशु मसीह, आपने विश्वास किया कि आपको आपकी माता की कोख में, जैसे भजन संहिता 139:39 में लिखा हुआ है, 13वें वचन से हम पढ़ेंगे, खूबसूरत बातें लिखी हैं कि उसने हमें हमारी माता की कोख में बुना है। मशीन से नहीं निकाला, कोई शब्द देखो क्या है, बुना है। एक कितनी महिलाओं ने स्वेटर को बुना है, कभी ना कभी। सपना, आपने भी बुना हुआ है, आपको आती बुनाई? अरे वाह, तो क्या हम आधे घंटे में बुन लेते हैं सब कुछ? कैसे बुनते हैं? एक एक इंच उस स्वेटर का जो हम बुनते हैं वो हाथ से बनाया जाता है, हाँ या ना? प्रभु कहता है, वचन कहता है, हमें हमारी माता की कोख में परमेश्वर ने एक एक करके बुना है। हमारे शरीर का एक एक अंग, एक एक पोर्शन, एक एक इंच परमेश्वर ने खुद बनाया है। लिखा है कि जब मेरी, जो प्रभु का वचन जो सोनू भैया ने पिछले हफ्ते आराधना के समय शेयर किया था कि हमारी हड्डियों को प्रभु ने देखा है, हमारा बेडॉल शरीर, बेडॉल मतलब जिसमें हड्डियां नहीं होती, बेडॉल बिना हड्डियों वाला, ढीला ढाला, अपनी माता की कोख में जब हम एक महीने के थे, क्या हमारी हड्डियां बड़ी मजबूत हो गई थी, हाँ या ना? लिखा है, प्रभु तूने मेरे बेडॉल तत्व को देखा मेरी माता की कोख में। क्या हमने उसे सचमुच में सृष्टिकर्ता समझ लिया? क्या आप सचमुच मानते हो कि यीशु मसीह है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा? क्या आप मानते हो कि आप सब और मैं, हम सब पापी हैं और हमने पाप किया है? क्या आप विश्वास करते हो कि हमारे पाप के कारण सच्चे परमात्मा से हम दूर हैं, जुदा हैं? कितने भी भजन कीर्तन कर ले, या कितने भी भले काम कर ले, या कितने भी सुंदरता अपनी बाहर की दिखा ले, लेकिन सच्चे परमात्मा के सामने हम कुछ नहीं है उसके सामने, क्योंकि हम गंदे हैं, अंदर से दूषित हैं, आत्मा पोल्यूटेड है, अंदर से हम दूषित हैं, दोषी हैं, पाप का दोष हमारे ऊपर लगा है, क्योंकि हमने परमेश्वर से बढ़ के हर एक चीज को प्रेम किया। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप पापी हैं? क्या आप सचमुच मानते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में 2019 साल पहले मनुष्य बन के आया? क्या आप विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हो कि वो सचमुच में एक कुंवारी के द्वारा दुनिया में आया, उसकी मां का किसी पुरुष के साथ संबंध होने के द्वारा वो दुनिया में नहीं आया, पवित्र आत्मा की शक्ति से डायरेक्ट एक कुंवारी जिसको किसी आदमी ने छुआ तक नहीं है वो गर्भवती हो गई, पवित्र आत्मा की शक्ति से वो उसकी कोख में आया और इस दुनिया में उसने एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया? क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह का इस धरती पर जो छोटा सा जीवन था उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया? डू यू बिलीव कि वो शुद्ध था, सिद्ध था, पवित्र था, हर तरह से वो परखा गया, पाप कर सकता था परंतु नहीं किया, पवित्र रहा? क्या आप विश्वास करते हो कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह एक बेदर्द मौत नहीं मरा, एक दर्द भरी मौत नहीं मरा, वो सचमुच में अपनी मर्जी से हमारे प्राणों के लिए बलिदान हो गया? प्रभु को किसी ने धक्का मार के क्रूस पे नहीं मार दिया,
और वो कहता रहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। प्रभु ने नहीं कहा मुझे मत मारो। लिखा है कि प्रभु ने, धर्मशास्त्र में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपनी जान देता हूं और अपनी मर्जी से अपनी जान वापस भी ले सकता हूं। तो जब वो क्रूस पे मरा, अपनी मर्जी से मरा, हमारे लिए मरा। पर मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों के लिए मरा? क्या आप विश्वास करते हो कि जो सजा आपको मिलनी चाहिए थी वो यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने ऊपर ले ली? डू यू बिलीव दैट? क्या आप विश्वास करते हो? और क्या आप विश्वास करते हो धर्मशास्त्र के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ, जो आज तक कोई नहीं हुआ? यीशु मसीह क्यों दूसरे लोगों से अलग है? यीशु मसीह क्यों दूसरे गुरुओं से अलग है? पहली बात तो क्योंकि यीशु मसीह गुरु मात्र नहीं है, वो इकलौता परमेश्वर है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह दूसरों से अलग इसलिए है क्योंकि सब लोग मर गए पर प्रभु यीशु मसीह मर के जीवित हो गया। बट उस सत्य का आपके ऊपर असर तब होगा, उसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आप विश्वास करोगे। इफ यू डोंट बिलीव, यदि आप विश्वास नहीं करते हो तो वो आपके लिए केवल सत्य है, केवल ज्ञान है। पर ज्ञान हमारे तब काम आता है जब हम अब उस ज्ञान के अधीन हो जाते हैं, जब उस ज्ञान को हम मान लेते हैं, हम जब अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, रास्ता मोड़ लेते हैं, पश्चाताप करके सही जीवन प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान के जब हम जीते हैं, ये है प्रभु के अधिकार को स्वीकार करना। क्या आप सचमुच में प्रभु के अधिकार को मानते हो अपने खुद की आत्मा के लिए? उसके बाद हम उसको अपने जीवन के परिवार का अधिकार हमको समझना है। मेरे परिवार का अधिकार मेरे प्रभु के पास है। मैं अपने बच्चों की शादी यीशु मसीह की अनुमति के बिना कहीं नहीं करूंगा। या मैं अपने पैसे को प्रभु यीशु मसीह से बिना पूछे अपना पैसा कहीं खर्च नहीं करूंगा। या मैं अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए पवित्र रखूंगा। या मेरे बच्चों का परमेश्वर है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे बच्चे भले पढ़ाई में थोड़े कमजोर हों पर मेरे बच्चों को परमेश्वर का वचन आना चाहिए। इस बात का मैं ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी कि मेरे बच्चे कभी परमेश्वर का रास्ता ना छोड़ें और मुझे मेरे बच्चों को परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाना है। प्रभु को अपने जीवन का अधिकार देने का अर्थ है कि आपके गलत दोस्त और मित्र जब वो आपको खींचते हैं गलत बातों की ओर, गलत समाज की ओर, गलत आदतों की ओर, तब प्रभु को अपना अधिकार देने का मतलब ये है अपने दोस्तों को ठुकरा देना क्योंकि आप प्रभु के रास्ते पर चलना चाहते हो। कुरुंथियों की पुस्तक में लिखा है उनमें से बाहर निकल आओ, और वो संगति के विषय में लिखा गया है, कम आउट ऑफ देम, ऐसे लिखा है, उनमें से बाहर निकल आओ क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को क्या दर्जा दिया है? हम में से कईयों ने सिर्फ प्रभु को एक चमत्कार करने वाला बाबा समझा है। दुख संकट आए, यीशु मसीह के पास जाओ, वेरोनिका को फोन करो, सोनू भैया को फोन करो, जॉय भैया को फोन कर लो, प्रार्थना करवा लो, संकट दूर और हम भी प्रभु से दूर। कभी कभी प्रभु हमारी जिंदगी में संकट इसलिए आने देता है, खुश तो नहीं होता वो संकट भेजकर, बट संकट के द्वारा, दुखों के द्वारा वो हमें अपने करीब बुला रहा होता है। इसलिए प्रभु को अपने जीवन का अधिकार दो। प्रभु को अपने जीव, प्रभु का अधिकार आपके जीवन पे है, उस अधिकार के अधीन आ जाओ, समझ लो कि वो कौन है। प्रभु यीशु मसीह महान, इकलौता, सच्चा और जीवित परमेश्वर है। भाइयों बहनों, आकाश और पृथ्वी का उसने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसके बाद इससे हम क्या सीखते हैं? सामने देखें, यीशु हर अधिकार पर प्रभुता रखते हैं। ही इज द लॉर्ड ओवर ऑल अथॉरिटी। हर अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसके बाद 19 वचन पढ़ो, हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा प्रभु ने? इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, ओके।
प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको पहली बात क्या बताई, स्वर्ग जाने से पहले, अपने जी उठने के बाद स्वर्ग जाने से पहले प्रभु ने पहली बात क्या समझाई अपने चेलों को, क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तुम डरना मत, क्योंकि सारा सब चीजों का मालिक मैं हूं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, नीलू क्या कहते हैं, तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुमको सिखाया है वो सब कुछ तुमको सिखाओ, जो कुछ मैंने तुमको बताया है। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? जो 11 हैं वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोलते हैं तुम जाओ और क्या करो, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसका मतलब प्रभु चेलों से कहता है तुम क्या बनाओ। सब लोग इसको जवाब दें क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात करता है और कहता है तुम जाओ और क्या करो, चेले बनाओ। इसका मतलब चेला कौन होता है, इसका मतलब चेला कौन होता है, चेला कौन होता है, जो चेले बनाता है। अगर मैं आप में सबको पूछूं कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हाथ उठाओ, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हाथ ऊपर रखना, हाथ ऊपर रखना, हाथ। निकिता आप चेले नहीं हो, चेली, ओके। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? पर अभी हमने क्या सीखा वचन से, चेला कौन है, जो चेले बनाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपने किसको चेला बनाया आज तक, ऐसा तो बहुत होता है कि हम दूसरों को अपना चेला बना लेते हैं, पर किसका चेला बनाना है, यीशु मसीह का। चेला बनाने का मतलब है दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आना। आप लोग जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला कहते हो और अपना हाथ उठाया था, मैं आप लोगों से वचन के द्वारा पूछना चाहता हूं, आप कितनों को आज तक प्रभु के पास लेके आए हो? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा चेले बनाओ। तो सच्चा चेला कौन है? वही प्रभु का चेला है जो औरों को भी प्रभु का चेला बनाए। तो आप लोगों से सवाल है, कितने लोगों को आज तक आपने प्रभु का चेला बनाया है? कितने लोगों को आप प्रभु के पास लेके आए हैं? कितने लोगों को आपने सुसमाचार बताया है? कितने लोगों की आत्मा आपके द्वारा बचाई गई है? कितने लोगों को आपने नरक में जाने से बचा लिया क्योंकि वो आपके सेवा के द्वारा चर्च में आना शुरू हुए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया? अच्छा है हम घर जाकर के लिस्ट बनाएं कितने लोगों को हमने चेला बनाया, क्योंकि चेला वही है जो चेला बनाए। पर हम चेला कैसे बनाएंगे जब हमारे अंदर पहला गुण नहीं है? पहला गुण क्या है, जो प्रभु ने कहा कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, इससे प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? यीशु मसीह हर जाति के प्रभु हैं, हर जाति के वो प्रभु हैं। प्रभु ने कहा तुम जाओ हर जाति को चेला बनाओ, तो प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदी कौम के परमेश्वर नहीं है, दुनिया की सारी जातियों के परमेश्वर हैं। जब वो कहते हैं सारी जातियों को जाके चेला बनाओ, इसका मतलब वो सारी जातियों के प्रभु हैं। और हम लोग चेला नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पहला गुण नहीं है, और पहला गुण है जाना। क्या लिखा है यहां पे, जाना। पहला गुण बताओ क्या है, जाना। अब जाने का मतलब क्या है, क्या हम खुल के दूसरों को बताते हैं? क्या दूसरों को बताने की हमारी इच्छा होती है? क्या हमारा एटीट्यूड दूसरों को बताने का एटीट्यूड होता है? हम जब पर्चे बांटने के लिए जाते हैं कितने लोग उसमें आते हैं? और जो लोग आते भी हैं, आप लोगों से ये सवाल है, आप किस भावना से आते हो, किस कामना से आते हो, कितने दर्द, कितने पीड़ा, कितनी सच्चाई के साथ आते हो, कितने प्रार्थना पूर्वक आते हो? और जो नहीं आते, आप अपने आप को प्रभु का चेला कहते हैं? कितनी बार आपने दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है? हम लोग कहते हैं लोगों को, आप आओ हमारे चर्च में, आओ हमारे चर्च में आओ, हम ऐसे बोलते हैं। प्रभु चर्च वालों को क्या बोलता है, तुम जाओ। कलीसिया सुनिए ध्यान से, जब प्रभु लोग हमारे चर्च में आए, उसके पहले जरूरी है चर्च के लोग बाहर जाएं, चर्च के लोग जाके, सत्संग के लोग जाके दूसरों को बताएं। लोग एकदम से इस बिल्डिंग के अंदर दौड़े चले नहीं आएंगे,
लोगों के अंदर इस बिल्डिंग को लेकर के गलत धारणाएं भी हैं। दुख होता है मुझे सुन करके कि हमारे आसपास ये बहुत जगह पाया जाता है कि चर्च में शराब पी जाती है, चर्च में अलग प्रकार का मीट खाया जाता है। लोग इस तरह गलत गलत बातें फैला चुके हैं कलीसिया के बारे में, और ये पूरे देश में हो रहा है। तो लोग अपने आप नहीं आएंगे कलीसिया में भाग भाग करके। इसलिए प्रभु ने नहीं कहा तुम लोग चर्च लोगों को चर्च में बुलाओ, प्रभु ने क्या बोला, तुम लोग क्या कहा प्रभु ने, तुम लोग। मैं आप लोगों से पूछता हूं कलीसिया, क्या आपके अंदर जाने की इच्छा है? क्या आपके अंदर मुंह खोल के दूसरों को बताने की तड़प और इच्छा और कामना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? यदि हम सुसमाचार दूसरों को बताएंगे, दूसरे लोग नर्क जाने से बच सकते हैं। क्या हम दूसरों को बताना चाहते हैं? एक पास्टर थे पुणे में, मैं उनको जानता हूं, आप में से कुछ लोग उनको जानते हैं। उन्होंने एक बार ईस्टर के दिन अपने चर्च को सरप्राइज किया। सरप्राइज क्या दिया? सब लोग ईस्टर के दिन, पुनरुत्थान दिवस के दिन चर्च में पहुंच गए, खूब अच्छे कपड़े पहन के आए। वर्शिप टीम ने अच्छे अच्छे गाने तैयार किए हुए थे आराधना की गीत गाने के लिए। यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में नए नए गीत तैयार थे। खाने का प्रबंध अच्छा था, अच्छा माहौल था, फेस्टिव मूड था। लोग पहुंच गए चर्च में, पास्टर जी खड़े हुए, सामने आए, पास्टर ने प्रार्थना की और प्रभु का धन्यवाद दिया कि प्रभु जीवित है। और अपने पास एक डब्बा रखा था, डब्बे में बहुत सारे हजारों पर्चे और छोटी छोटी किताबें रखी हुई थी। कलीसिया का समय है, अभी दो घंटे लोग चर्च में रहेंगे, उनको लगता है कि अभी सर्विस होगी, सत्संग चलेगा अभी। पास्टर ने 5 मिनट के अंदर अंदर सर्विस को रद्द कर दिया, प्रार्थना की, धन्यवाद दिया और कुछ सेवादारों को बुलाया, वो डब्बा खोला और उसके अंदर से बंडल निकाले पर्चों के, प्रभु यीशु मसीह के नाम के जो पर्चे थे उनके संदेश लिखा हुआ था उसके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के पर्चे और किताबें निकाली, इतने इतने बंडल बनाए और सारे कलीसिया के लोगों को, इवन बच्चों को बांट दिए और कहा कि अब सब चलो बाहर चलते हैं, मार्केट में चलते हैं और हम सुसमाचार फैलाएंगे। मुझे लगता कभी 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 हमें भी ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता इस बार क्रिसमस और ईस्टर ऐसा ही होना चाहिए, कोई जश्न नहीं होगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने की कामना को हम जाहिर करेंगे। और हम केवल क्रिसमस का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह नन्ना सा बालक है, वो दुनिया का राजा है। और वो केवल 25 दिसंबर को राजा नहीं है, वो आज भी राजा है, वो कल भी राजा है और वो अनंत काल का राजा है। इसलिए हर दिन अच्छा दिन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं। बट अब हम लोग स्वार्थी हैं। मेरी शादी के पहले जब पास्टर अरविंद ने शादी के बारे में मेरी एक क्लास ली, शादी जैसे अभी हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं ना, बहुत लोगों के लिए जिनकी शादी होने वाली है या जो सीखना चाहते हैं, उस प्रकार हमेशा ध्यान रखना, सबके लिए बता रहा हूँ, शादी होने से पहले मैरिज प्रिपरेटरी क्लास ज़रूरी है हर विश्वासी के लिए। तो जब मेरी क्लास पास्टर अरविंद के साथ थी और जब मैं उनके पास बैठा, तो उन्होंने सपना भी आई थी स्पेशल उस क्लास के लिए शादी के पहले यहाँ पर, और हम दोनों पास्टर अरविंद के घर पे गए और पास्टर अरविंद ने बोला एक चीज़ जिसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा शादीशुदा जीवन में, वो ये है कि हम सेल्फिश हैं। मनुष्य क्या है? स्वार्थी है। मैंने बोला ये कैसी तैयारी है शादी के लिए? मैंने बोला ये शादी की तैयारी की बात तो नहीं लग रही, ये तो नॉर्मल शिक्षा दी जा रही है। लेकिन शादी के बाद पता चलता है सचमुच मनुष्य एक शादीशुदा जीवन में भी हमारे अंदर स्वार्थ होता है। हम अपने बारे में पहले सोचते हैं, अपने जीवन साथी के बारे में बाद में सोचते हैं। सुनो ध्यान से, अगर हम अपने परिवार में स्वार्थी हैं तो कितना ज़्यादा हम कलीसिया में स्वार्थी होंगे, और हमारा स्वार्थ बार बार सामने आएगा। और अगर हम कलीसिया में स्वार्थी हैं तो हम समाज में कितने स्वार्थी होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। आप सबको मानना है भाइयों बहनों, आपकी और मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सेल्फिश लोग हैं, हम स्वार्थी लोग हैं, वी आर सेल्फिश पीपल, और हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को जाकर के बताना यह हमारे लिए लास्ट ऑफ द प्रायोरिटी है। लेकिन ध्यान रखना एक बात का कि ये प्रभु यीशु मसीह के आखिरी वचन थे और यीशु मसीह को पता है कि अब वो वापस स्वर्ग चले जाने वाले हैं। तो स्वर्ग जाने से पहले क्या प्रभु यीशु मसीह हल्की फुल्की बात करेंगे या इंपॉर्टेंट बात करेंगे? बताइए, क्या हल्की फुल्की बात करेंगे या एकदम जो जरूरी बात है वो करेंगे? अगर मुझे पता चले कि मेरे पास केवल 10 दिन है जीवित रहने के लिए, अगर मुझे डॉक्टर बोले कि मुझे ऐसी बीमारी है, मेरे पास 10 दिन बचे हैं जीवित रहने के लिए, तो क्या मैं हल्की फुल्की क्या मैं इस बात के बारे में डिस्कशन करूंगा? अमन को बुलाऊंगा, अंकित को बुलाऊंगा, सुखवती आंटी को बुलाऊंगा, निकिता को बुलाऊंगा, और किसको, प्रखर को बुलाऊंगा और विवेक को बुलाऊंगा, और हम 2 घंटे डिस्कस करेंगे इंडिया वर्ल्ड कप में क्यों नहीं गई? टेल मी, आंसर दो मुझे, मेरे पास कितने दिन है जीने के लिए? क्या मेरा मुद्दा यह रहेगा कि इंडिया क्यों नहीं पहुंची फाइनल में? क्या मेरा मुद्दा यह रहेगा कि मुझे चिकन अच्छा लगता है, यू नो, और चिकन को बनाने का नया तरीका, क्या हम इसको, क्या मैं इसको डिस्कस करूंगा? क्या मैं इसको डिस्कस करूंगा कि हम कैसे दिखते हैं या कैसे कपड़े पहनते हैं? या क्या मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा कि सपना तुम साड़ी में बड़ी अच्छी लगती हो, ऐसी बातें? टेल मी, मैं कैसी बातें करूंगा? मेरे पास जीने के लिए केवल कितने दिन है? 10 दिन है। मैं मुद्दे की बात करूंगा, राइट? मैं अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपनी पत्नी को और अपने मित्रों को, कलीसिया के लीडरों को अपने पास बुलाऊंगा और मैं उन्हें समझाऊंगा कि ये दर्शन प्रभु ने हमें दिया था कलीसिया की अगुवाई अच्छे से करना। मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा कि सपना, ये मेरा बीमा हो रखा है, यहां यहां रखा है, और यू नो, तुम इसको निकलवा लेना। हम एकदम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। यीशु मसीह जब ये बोल रहे हैं, तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ चेले बनाओ, जाओ दूसरों को मेरे बारे में बताओ, जब यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह अपने अंतिम कुछ पलों के अंदर बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रभु यीशु मसीह छोटी मोटी बात नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह वो बात करेंगे जो बात उनके दिल में सबसे प्रथम है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। इसलिए भाइयों बहनों, जब प्रभु ने कहा जाओ और चेले बनाओ, ये प्रभु के दिल में उनकी आखिरी इच्छा थी, एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं। ये प्रभु के अनुसार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा जरूरी था कि हम दूसरों को जाकर के चेला बनाएं। और प्रभु ने कहा कि मैं, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इस हफ्ते मैंने एक स्टार्टलिंग जानकारी पाई। मुझे शर्म आती है कि मैं जिस शहर में पास्टर हूं, उस शहर के बारे में मुझे ये जानकारी पहले से नहीं थी। जानते हैं वो जानकारी क्या है? जब प्रभु ने कहा कि तुम सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ, जातियों के मतलब अलग अलग जाति, जैसे यादव एक जाति है, यादव के अंदर बहुत सारी जातियां हैं अलग अलग छोटी छोटी, जैसे बनिया है, बनिया के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, जैसे फोगाट है, हरियाणा में जानते हैं फोगाट, ऐसे मैंने कुछ जातियों के नाम लिखे जो यहां पे जो जातियां हैं, जैसे कि अरोड़ा, मैंने कुछ जातियां लिखी हैं अरोड़ा, अलग अलग प्रकार के बनिया, अलग अलग प्रकार के बंजारा जाति, धीमान, सरस्वत, गौर, सैनी, गहलोत, ढिल्लन, फोगाट, राजपूत, अलग अलग प्रकार के, ऐसे अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। आप जानते हैं हमारे देश में कितनी जातियां हैं? जातियां मतलब एक ऐसे लोग जिनका एक ही कल्चर होता है, एक ही भाषा होती है, एक ही सोच प्रकार होती है, एक ही प्रकार का उनका रीति रिवाज होता है, उसे हम कहते हैं जाति। हमारे देश में 2500 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 2500 जातियां हैं। पर आपको मालूम है हमारे इस शहर में, पहली बात तो 2500 में से 2200-2300 के पास अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, प्रभु यीशु के बारे में वो नहीं जानते हैं। पर आपको मालूम है हमारे देश में, हमारे शहर में कितनी जातियां हैं? 236 जातियों के लोग इस शहर में रहते हैं। ये लोकल जातियां हैं जो यहीं के लोग हैं, गुड़गांव के लोग हैं, 236 जातियां। पर आपको पता है कितनों तक यीशु मसीह का संदेश पहुंच गया? केवल 6 के पास। मतलब जितनी जातियां इस शहर में रहती हैं
अभी 236, उनमें से 230 के पास, कैन यू बिलीव इट, 230 के पास अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, प्रभु का संदेश नहीं पहुंचा। हम जितने विश्वासी हैं ना इस शहर में, सिर्फ 3% है जो लोकल लोग हैं, 97% विश्वासी इस शहर में इंपोर्टेड हैं। कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई साउथ से आया है, साउथ से तो बहुत ज़्यादा है जो यहाँ की विश्वासियों की संख्या को जो बनाते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं हमारे चर्च में, बताओ कितने हैं जो हरियाणा के हैं, बताइए, हरियाणा वाले हाथ उठाइए। सुखवती आंटी है, मुकेश बहन है, आप हैं, सोनू भाई हैं, गिने चुने 8-10 लोग हैं। 236 जातियों में से इस शहर में कितने लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा अब तक, कितने? 230 ऐसी प्रजातियां हैं, पीपल ग्रुप्स हैं, झुंड के लोग हैं जो एक ही कल्चर को मानते हैं, एक ही विश्वास है उनका। और प्रभु ने किसे कहा तुम जाओ और चेले बनाओ? बहुत बार हमारी सोच होती है, हम तो नौकरियां करते हैं, पास्टर तो यहां का फुल टाइम वर्कर है, पास्टर की जिम्मेदारी है, पास्टर सुसमाचार फैलाएगा, पास्टर को तनख्वाह मिलती होगी चर्च से, हम तो नौकरी करते हैं, हम कैसे करें? पास्टर का काम है। और ये शैतान की सोच है जो उसने आपके अंदर डाली हुई है कि सुसमाचार फैलाना काम किसका है? पास्टर का है। बाइबल बल्कि इसके उल्टा बताती है, बाइबल सिखाती है पास्टर का काम है कलीसिया के लोगों को वचन सिखा सिखा के तैयार करना, ताकि कलीसिया के लोग बाहर जाके क्या करें, सब जातियों के लोगों को चेला बनाएं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अपनी जिम्मेदारी को समझो, सबसे पहले अपने पाप को मानो कि आप और मैं हम स्वार्थी हैं, प्राइमरिली हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम तो कभी कभी अपने जीवन साथी के बारे में भी नहीं सोचते, अधिकतर जीवन साथी के साथ भी हमारा सेल्फिशनेस वॉर चलता है, अपने बारे में पहले सोचते हैं। तो सोचो हम कितने ज्यादा स्वार्थी हैं सुसमाचार को लेके। ये आपकी जिम्मेदारी है, पास्टर की नहीं है। अगर यीशु नाम सत्संग में 250 लोग मेंबर हैं और हर संडे 150-200 लोग आते हैं, एक एक जन की जिम्मेदारी है दूसरों को प्रभु के बारे में बताना, और पास्टर जॉय की नहीं है। ये मैं साफ कर रहा हूं आप लोगों को, मेरी सिर्फ उस हद तक जिम्मेदारी है सुसमाचार फैलाने की जिस हद तक कि मैं एक विश्वासी हूं बस, लेकिन पास्टर के तौर पे मेरी जिम्मेदारी सुसमाचार फैलाना नहीं है। लेकिन आप लोगों को ट्रेन करना है और आप लोगों को बार बार पुश करना, जैसे आज मैं आप लोगों को पुश कर रहा हूं, जाओ प्रभु के बारे में दूसरों को बताओ, जहां आपको मौका मिले, जहां कोई दुखी परेशान व्यक्ति आपको मिले उसे प्रभु का प्रेम दिखाओ, जहां आपकी मित्रता किसी के साथ हो वहां, अगर आप आपको मैं आपको अगले संडे बताऊंगा किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं सुसमाचार प्रचार करने में, क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा। पर कितनों को समझ में आ रहा है कि अभी मैंने कुछ पूछा ही नहीं, कितनों को समझ में आ रहा है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु के पास है? कितने लोग मानते हैं कि पूरा आसमान और जो कुछ आसमान के उस पार है, जो कुछ जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जो कुछ हमारी नजरों से बाहर है पर जो कुछ सुंदर है वो हमारे प्रभु का है, कितने लोग मानते हैं? और कितने लोग मानते हैं कि धरती पर सब कुछ प्रभु का है? कितने लोग मानते हैं कि धरती पर रहने वाले हरेक प्रजाति के लोग हमारे प्रभु के हैं? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि प्रभु ने चेलों को कहा है चेले बनाओ? कितने लोग मानते हैं कि आप खुद चेले हैं? और कितने लोग चाहते हैं कि आप अगर चेले हो तो सचमुच अगर आपको चेले का दर्जा चाहिए तो चेला वही है जो चेला बनाता है? और कितने लोग चेला बनाना चाहते हैं दूसरों को, अपना नहीं प्रभु का? कितने लोग हैं? हम सब प्रभु के दूसरों को चेला बनाना चाहते हैं। आकाश और दो बातें हमने सीखी हैं, बाकी का वचन मैं अगले संडे पूरा करूंगा, बहुत गहरी गहरी बातें हैं जो इसमें तैयार की हैं मैंने, 9 पेजेस का सुसमाचार आज का वचन, 9 पेज का वचन लिखा है, अभी मैंने सिर्फ 6 पर पहुंचा हूं, बाकी हम अगले संडे करेंगे। पर जो दो मुख्य बातें हमने सीखी हैं वो पढ़ के मुझे बताइए, क्या सीखा है? यीशु हर अधिकार पर प्रभुता रखते हैं, या यीशु मसीह के पास हर तरह का अधिकार है, आकाश और धरती का। और प्रभु ने कहा तुम जाओ और हर जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ।
लोग तो तैयार है सुनने के लिए और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए। प्रभु ने कहा लोग तैयार हैं, पर प्रभु ने क्या कहा, फसल तो तैयार है पर काटने वाले नहीं हैं। मतलब चेले अपना काम नहीं कर रहे। प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो कि मजदूर खड़े हो जाएं। आज हम केवल खाने वाले हैं, हम सब फसल खाने वाले हैं। कुछ समय के लिए हम फसल खाने पर ध्यान ना दें, फसल काटने पर ध्यान दें। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करेंगे कि हम अपना ना स्वार्थी जीवन खत्म करें। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। प्रार्थना करेंगे कि हम स्वार्थी होना छोड़ दें और प्रभु के राज्य की चिंता करें और प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के राज्य के लिए कामना करें, प्रभु के राज्य के लिए मेहनत करें, जाएं और सब जातियों के लोगों को प्रभु का चेला बनाएं। आइए सब खड़े हो जाएं।